संजय कपूर भले ही एक फिल्मी परिवार से आते थे, लेकिन अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है। संजय का करियर दोनों भाई बोनी कपूर और अनिल कपूर के हिसाब से कम चला है। अब संजय ने हाल ही में अपने उन दिनों के बारे में बताया जब मुश्किल समय में भी उनके भाई बोनी ने उन्हें फिल्में नहीं दी, बल्कि दूसरे एक्टर्स को अपनी फिल्मों में साइन किया। इतना ही नहीं, संजय ने कहा कि बोनी के लिए ये सब बिजनेस है। बता दें कि संजय को लॉन्च बोनी कपूर ने ही किया था अपनी फिल्म प्रेम के जरिए, लेकिन बाद में संजय की फिल्में नहीं चली, उन्हें फिर कुछ फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे। अब संजय ने शिवानी पाव के पॉडकास्ट में कहा, मेरे भाई बोनी ने मुझे कास्ट नहीं किया जब मैं मुश्किल समय से गुजर रहा था। जब उन्होंने नो एंट्री बनाई, वह मुझे ले सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे लेने की बजाय फरदीन खान को लिया। फिल्म में पहले से अनिल कपूर और सलमान खान थे तो फिल्म तो वैसे भी बेच लेते, फिल्म तब भी चल जाती अगर मुझे भी शामिल करते तो। संजय ने बताया कि क्यों बोनी ने फरदीन को लिया। बोनी उस समय फरदीन को इसलिए लिए क्योंकि वह मुझसे ज्यादा बिक रहे थे। मैंने अपने भाई के प्रोडक्शन में पिछले 20 साल से काम नहीं किया है। जब मेरा लो फेज चल रहा था और मैं फिल्में प्रोड्यूस कर रहा था, ऐसा नहीं कि वह मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन एंड में सिर्फ यह एक बिजनेस है। अनिल कपूर से कंपटीशन पर उन्होंने कहा, हाँ कंपटीशन है, मुझे लगता है यह पर्सन टू पर्सन है। भले ही अनिल कपूर मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, मुझे लगता है मैं उनसे ज्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, भले ही मैंने उनसे कम अचीव किया है, लेकिन मैं ज्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा अच्छे मूड में रहता हूँ। मैं यह नहीं कह रहा कि वह उदास रहते हैं या कुछ और, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं उनसे ज्यादा संतुष्ट हूँ। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।